हेलो फ्रेंड्स, मैं लास्ट वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण नेशनल मीट 2018 की वीडियो लेकर आई थी। अब मैं इंटरनेशनल की लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट न्यूज़ है जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला सेकंड बिन हुसैन की भारत यात्रा, जो 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित की गई। विज्ञान भवन के इस्लामिक कल्चर सेंटर में इस मीटिंग का जो टॉपिक था वो आतंकवाद पर निर्भर था। और उसी समय एक बुक लॉन्च की गई जो कि प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद ने लिखी है, जिसका नाम है ए थिंकिंग पर्सन गाइड टू इस्लाम। इस पूरी यात्रा में 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जो हैदराबाद हाउस में हुए, जो रक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक अभियान, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर निर्भर थे। इसी समय आगरा और जॉर्डन पेट्रा की म्यूनिसिपलिटीज के बीच भी हस्ताक्षर हुए, और जॉर्डन यूनिवर्सिटी में हिंदी अध्ययन पीठ की स्थापना के लिए भी इन्होंने नींव रखी। ये फर्स्ट न्यूज थी। सेकंड न्यूज पर हम आते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का फंडिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जो कि 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें 21 राष्ट्र के शासनाध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया, 6 देश के उपराष्ट्रपति ने पार्टिसिपेट किया और 19 कैबिनेट मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया। इस पूरे प्रोग्राम की जो सहाध्यक्षता थी यानी कि अध्यक्षता थी वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन ने और हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने की, और इसका उद्घाटन फ्रांसीसी राष्ट्रपति एंड श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर किया। इसकी जो थीम थी वो भारत का सबसे बड़ा नवीनकरण ऊर्जा कार्यक्रम था, ये जिसका जो मेन एम है वो 2022 तक 175 गीगावाइट विद्युत उत्पादन करना है और 100 गीगावाइट विद्युत सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। ये पूरी प्रोसेस, पूरी योजना अटल ज्योति योजना पर डिपेंड है, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स स्थापित करनी है, और अभी तक इनका जो लक्ष्य है वो 7 मिलियन बच्चों को रोशनी देना है थ्रू द सोलर स्टडी लैब स्कीम में। यहाँ पर इसके बाद वाराणसी और आगरा भी भ्रमण किया गया। नेक्स्ट न्यूज आती है, विद्या देवी भंडारी नेपाल की फिर से राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये जब लास्ट टाइम राष्ट्रपति चुनी गई थी तो ये भारत की नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और दोबारा ये चुनाव में जीत कर आई है। तो इनका दो बार का जो कार्यकाल है वो 2015 और 2018 का हुआ। ये वाम गठबंधन पार्टी की हैं और इनके अपोजिट में कांग्रेस लक्ष्मी राय खड़ी हुई, जिन्होंने 22.34% वोट हासिल किए। इन्हीं पार्टी के KP मिश्रा वहां के प्रधानमंत्री हैं। एक बात और इसके बारे में बताना चाहेंगे, राष्ट्रपति की जैसी शपथ दिलाई उसके बाद वहां के न्यायाधीश जो हैं गोपाल पराजुली, उनको बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उनकी नागरिकता और जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। तो उनका जो अब न्यायाधीश कार्यवाहक है वो है दीपक राज जोशी। थोड़ा सा और ये डिटेल है कि नेपाल में कितनी सीट्स हैं, 331 निर्वाचित सदस्य की सीट है, 549 विधानसभा की सीट है। वहां पर 3 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, फोर्थ न्यूज, साइरल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। हमारे सहारनपुर के गुप्ता परिवार है, जिनमें अजय और राजेश जो कि दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे, उनको लाभ पहुंचाने और सरकार नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने के लिए जो जैकब जुमा जी हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो अब जो है 2014 से उपराष्ट्रपति जो रहे थे साइरल रामपोशा दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है, मॉरिशस के राष्ट्रपति अमीना नहा गुरीफ फकीम का इस्तीफा ले लिया गया है, क्योंकि उन्होंने अंगोला NGO द्वारा जो बैंक कार्ड उपलब्ध होता है उसे निजी शॉपिंग की थी, इस कारण से इनसे इस्तीफा मांगा गया है। मॉरिशस का जो राष्ट्रपति पद है वो एक रस्मी पद होता है, इसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होती, इसलिए वहां पर कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं कर सकता। नेक्स्ट न्यूज है, एंजेला मार्कर फिर से एक बार यानी कि चौथी बार जर्मनी की चांसलर बनकर आई हैं। 6 मंथ से ये चल रहा था कि अब चांसलर कौन बनेगा, तो मार्च में ये चीजें खत्म हो गई और चौथी बार फिर से जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कर फिर से चांसलर बन चुकी हैं। इनको 364 मत प्राप्त हुए, ये 4 बार बनी है। तो इनका जो कार्यकाल है, पहला कार्यकाल बना था नवंबर 2005 से, फिर 2009 में, फिर 2013 में, देन अब 2018 में। हम एक बार और बताना चाहेंगे, यूरोप की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी है, और 4 बार जो चांसलर अब तक बन चुके हैं वो है कॉनराड एडेनोअर एंड हेलमुट कोल,
तो ये हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज आती है, व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति के फिर से एक बार रूस के फिर से एक बार राष्ट्रपति बन गए हैं। ये लगातार इनका सेकंड कार्यकाल है और अगर टोटल मिलाएं तो ये चौथे कार्यकाल के लिए बने हैं। इससे पहले ये जो है 2000 से लेकर 2008 तक चार बार बन चुके हैं, क्योंकि लगातार तीसरी बार नहीं बन सकते, इसलिए 2008 से लेकर 2012 तक रूसी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, देन वो फिर से राष्ट्रपति बने। इस बार पुतिन जी का कार्यकाल 6 साल का है। इस बार इनकी वोटिंग के लिए जो था एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था, जिसमें सेल्फी कंपटीशन भी था, फूड फेस्टिवल भी था, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी था, और सबसे ज्यादा जो मत है पुतिन जी को मिले थे। इससे पहले भी अगर इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये 16 साल तक फॉर्मर सीक्रेट एजेंट रहे हैं KGB एजेंसी के। नेक्स्ट न्यूज है, हितिन क्याव के त्यागपत्र के बाद विन मिंट म्यांमार के राष्ट्रपति बने। वहां की जो स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार हैं डॉक्टर आगा सांसू, उन्हीं के पार्टी के विन मिंट म्यांमार राष्ट्रपति बन चुके हैं, क्योंकि जो उनके ही फेवर के हितिन क्याव थे उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब रहता था, इसलिए वहां के जो स्पीकर थे फॉर्मर स्पीकर विन मिंट उनको म्यांमार का राष्ट्रपति बनाया गया है। इसकी एक बात स्पेशल है कि म्यांमार का पद भी एक रस्मी पद है और सभी प्रशासनिक पावर जो है वो स्टेट काउंसलर को नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिनके हस्बैंड और डॉटर या सन अगर किसी विदेशी नागरिक में शामिल हो तो वो उस पद को ग्रहण नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज आती है, वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान डाई क्वांग की भारत यात्रा 2 से लेकर 4 मार्च 2018 में कंडक्ट हुई, जिनमें उनकी वाइफ नेप्टिया थी हेन भी आई थी, और इन्होंने बोधगया की यात्रा भी करी, बोधगया में महाबोधि मंदिर की यात्रा करी। हैदराबाद हाउस में इनके लिए एक चर्चा की गई, जिसमें मेन टॉपिक थे समुद्री क्षेत्र में सहयोग, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में प्रगति, भारत आशियाई समुद्री परिवहन और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर। 3 इम्पोर्टेंट जो मिनट ऑफ मीटिंग थे वो थे कृषि, नाभिकीय ऊर्जा और आर्थिक सहयोग और द्विपक्षीय व्यवहार। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वियतनाम डेज इन इंडिया 2018 कहाँ कंडक्ट हुआ, ये नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज आती है वो आती है जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर की भारत यात्रा। ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है जर्मन के, इससे पहले इन्होंने वाइस चांसलर के रूप में यात्रा की थी। इनकी 3 दिन यात्रा में वाराणसी की यात्रा, चेन्नई की यात्रा, महाबलीपुरम की यात्रा भी शामिल है। जर्मनी जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो ये जनसंख्या वाला देश भी है जिसमें 8.27 करोड़ जनसंख्या है। इसके मध्य में स्थित पूर्वी पश्चिम जर्मनी के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। 2016 में जो इसका व्यापार था वो 18.76 अरब डॉलर है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, FDI के रूप में भी 7th पोजीशन पर है भारत इसमें। 2017 में आंकड़ों से ये पता किया गया कि 1500 विद्यार्थी जो है जर्मनी में एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 800 स्टूडेंट जर्मनी के भारत में यहाँ पर स्कॉलर के रूप में काम कर रहे हैं। भारत और जर्मनी के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2000 में लागू हुई, जो हर एक 2 साल के बाद कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की मॉरिशस और मेडागास्कर की यात्रा। हमारे रामनाथ कोविंद जी फर्स्ट टाइम, यानी कि भारत के कोई राष्ट्रपति फर्स्ट टाइम मेडागास्कर की यात्रा कर रहा है। फर्स्ट टाइम यात्रा में जो है श्री रामनाथ कोविंद ने की मॉरिशस की ये 6ठी यात्रा है, और इस अगर राष्ट्रपति जी की बात करें तो उनकी ये दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा उन्होंने अक्टूबर 2017 से जिबूती और इथोपिया में किया थे। 13 मार्च को पोर्ट लुइस में भी वर्ल्ड हिंदी सेक्रेट विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन श्री कोविंद जी ने किया, और इसकी जमीन मॉरिशस द्वारा उपलब्ध कराई गई और इसके निर्माण का पूरी लागत भारत सरकार ने दी। अमेजन के जो संस्थापक है जैव बेजाज, नेक्स्ट न्यूज है, अमेजन के संस्थापक जय बेजाज जो है विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्तियों में आ गए, जैसे मैंने लास्ट नेशनल न्यूज में डिस्कस किया था, और भारत की तरफ से मुकेश अंबानी है। ये 32 रिकॉर्ड है अमेरिका की मैगजीन का। 18 बार 24 वर्षों से माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स रहे थे सबसे अमीर में, लेकिन इस साल अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस रहे हैं। अगर मेरी आपकी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे FB पर मनीषा सिंगवाल
राजपूत। लाइक करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।